सुपेला चौक से चंद्रा मौर्य चौक तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण महापौर, निगमायुक्त, ट्रैफिक पुलिस और एनएच के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। महापौर ने फ्लाईओवर के नीचे पौधारोपण एवं वाहन पार्किंग के लिए अधिकारियों से चर्चा की तथा यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने कार्य योजना तैयार करने को कहा। गुरुवार को सुपेला चौक से लेकर चंद्रा मौर्य चौक तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण नगर निगम के महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, यातायात के डीएसपी सतीश ठाकुर, एनएच एवं निर्माणी संस्था के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाईओवर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। फ्लाईओवर के नीचे पौधारोपण एवं वाहन पार्किंग को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश महापौर नीरज पाल ने दिए। साथ ही सुगम और सुरक्षित आवागमन, अव्यवस्थित वाहन पार्किंग आदि को लेकर अधिकारियों ने अपने विचार रखे। निरीक्षण की जानकारी महापौर नीरज पाल एवं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। जैसा कि आपको पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सड़कों का लेकर जो निर्देश आया है कि सड़कें जो है उसका विशेष ध्यान दिया जाए। भिलाई शहर की जनता पिछले काफ़ी दिनों से परेशान है, जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है, इसकी धीमी गति से लोग परेशान हैं, धूल मिट्टी से परेशान हैं। उसी को लेकर आज का ये दौरा था जिसमें आयुक्त महोदय भी हैं, सभी निगम के अधिकारी हैं, एनएच के अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं। उसके पीछे यही था कि ये काम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, समय सीमा के अंदर खत्म किया जाए और इसको व्यवस्थित रूप से लोगों को सुविधा मिल सके। आज सुपेला चंद्रा मौर्य जो फ्लाईओवर का निर्माणाधीन है उसके नीचे में जो सौंदर्यीकरण का काम होना है उसके लिए नगर निगम कमिश्नर सर और महापौर जी और यातायात पुलिस और जो निर्माण एजेंसी है उनके द्वारा सही निरीक्षण किया गया है और ये निर्णय लिया गया है कि जो ब्रिज के नीचे खाली जगह है वहाँ पे जो नीचे गार्डनिंग का भी काम होगा, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा सकती है, दो पहिया, चार पहिया, और इसके अलावा जो बस वे है, जो बसें आती है उसके लिए जगह हो, ऑटो के लिए जगह हो, तो जगह को निर्धारित किया गया है ताकि वहाँ एक व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा ले सके और यदि लोग सड़क पार कर रहे हैं तो वहाँ पर चौक में ना जाना पड़े, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था रहे। तो ये अभी एक कार्य योजना बनाई जा रही है जिसको आने वाले समय में उसको मूर्ति रूप दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा भी मिल सके और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालित। गौरतलब है कि फ्लाई ओवर के नीचे वाहन पार्किंग की व्यवस्था होने से शहर के बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वाहनों को लेकर बाजारों में आए लोगों की वजह से दूसरों को परेशान होना पड़ता था। वहीं वाहन पार्किंग में ठेले खोमचे वालों को काबिज होने से रोकने भी आने वाले समय में लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।